हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। आइए मेरे प्रियो, आज की शाम में, आज की सुंदर संध्या काल में प्रभु से प्रेयर करें। प्रभु फिर पूरे दिन संभाला, दिन के साथ रात्रि भी हमारे जीवन में जोड़ा है, हमें दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर आपका जो प्रॉब्लम है, समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, दुख है, दर्द है, उसके लिए प्रभु से दुआ कीजिए, प्रभु छुटकारा देगा। दुष्ट करुण मनुष्य या दुष्ट शैतान सबसे आपको स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, बंदगृह में से आपको निकालेगा, गड्ढे में से आपको निकालेगा, शैतान के बेड़े जंजीरों को टुकड़े टुकड़े करेगा, हर एक सकेती दबाव से, दुखों से, सताव से आपको स्वतंत्र करेगा। आइए हम धन्यवाद के साथ अपना प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय प्रभु के हजूरे में रखें। परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम चिंता ना करें, धन्यवाद के साथ थे अपनी हर एक प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय प्रभु के सम्मुख रखें। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, अपनी चिंता को प्रार्थना में बदलिए, बहुत कुछ होगा। हम ये कहें कि सब कुछ होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अस्तुति हो, 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 अस्तुति हो। महिमा हो लो डिजीसस, महिमा हो लो डिजीसस, महिमा हो लो डिजीसस। तारीफ करते हैं खुदा से, तारीफ करते हैं खुदा से, तारीफ करते हैं खुदा से, बड़ाई प्रशंसा करते हैं यीशु नासरी। धन्यवाद देते हैं पिता, आप महान परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान खुदा हैं। धन्यवाद यीशु, हम सबों से अगम पे प्रेम करने वाले, बहुत प्यार करने वाले, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते, धन्यवाद कि तू आज के पूरे दिन संभाला, दिन के साथ रात्रि भी हमारे जीवन में जुड़ा है, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम सुंदर सुबह को देखें, भोर को देखें, सवेरा को देखें, इसके साथ सुंदर शाम भी, संध्या काल भी प्रभु जी हम देख रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं प्रभु जी, आपकी इच्छा, आपकी चाहत, आपकी मर्जी है प्रभु की हम, हाँ हाँ, दिन के साथ सांझ भी देखें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अभी तक के सुबह से लेकर अभी तक आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है, आपका दया कृपा प्रभु तक करुणा हमारे ऊपर है, इसीलिए तो प्रभु हम स्वस्थ हैं, चंगा भला हैं, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित हैं, जीवितों के उज्जियाला में चल रहे हैं, नहीं तो कब का मिट गए होते। स्तुति हो पिता, अभी तक हमें सेफ और सुरक्षित रखने के लिए, हमें संभाल करके रखने के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए लाखों लाख हैं, करोड़ों करोड़ों प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते। होने दीजिए प्रभु, आगे भी ख्याल रखिए, आप हमारा सादा सर्वदा के लिए खुदा है। होने दीजिए हमेशा के लिए प्रभु, आप पे हम पर दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए लॉर्ड जीसस। स्तुति हो, थैंक यू जीसस। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस,
महिमा करते हैं प्रभु जी, आप की बड़ाई करते हैं, आपको आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। अनुग्रह कार्य दयालु कृपयालु अति करुणा में अति समर्थी सर्वशक्तिमान अति उत्तम लाखों लाख है, हाँ लाखों लाख है, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अस्तुति हो पिता, सहायता कीजिए हमारे साथ जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग मसी भाई बहन, हाँ जितने लोग जितने जन धन्यवाद के साथ प्रभु अपना प्रार्थना निवेदन प्रार्थना भी से आपके सम्मुख हैं रख रहे हैं, उन सबों के ऊपर विशेष आपका ध्यान होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए, ताकि प्रभु सबके सब पे अपने हर एक प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय का उत्तर जवाब हाँ आमीन में पा सके, आपकी ओर से प्राप्त कर सके। सहायता कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए जो अपना दुख अपना दर्द अपना समस्या अपना प्रॉब्लम उलझन कलेश आपको सुना रहे हैं आपको बता रहे हैं, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी उन सब से उन लोगों को छुटकारा दीजिए, एक एक जन को प्रभु जी छुटकारा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तू स्वतंत्र करने वाला हर एक शकेती से दुखों से आज़ाद करने वाला खुदा है, शैतान से छुटकारा देने वाला खुदा है। दे प्रभु जो शैतान से ग्रसित है, जिनके ऊपर शैतान अटैक करता है वार करता है, जिनको शैतान सताता है तंग करता है तबाह करता है, उनको तू अपनी आत्मा दे दे अपनी सामर्थ्य दे दे ताकि वो प्रभु जी शैतान से स्वतंत्र हो जाए छुटकारा पा जाए। सहायता कर सहायता कर सहायता कर सहायता कर सहायता कर मदद कर प्रभु मदद कर प्रभु मदद कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, अगर कोई मनुष्य आपको सताता है तंग करते हैं तबाह करते हैं, आप प्रभु में हैं, आपकी निंदा करता है चुंगलियाँ खाता है आपकी शिकायत करता है आपको तुझ से जानता है आपको चिढ़ाता है आपका मजाक उड़ाता है, मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं प्रभु कहता है कि सुनो, ऐसा 49 अध्याय के 26 को पढ़िएगा, इसमें प्रभु कहते हैं कि सुन जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दख मधु से होते हैं, तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। आप प्रभु में प्रभु के प्रेम में प्रभु के संगति में प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु की वजह से लोग आपको सताते तंग करते सोचते कुछ नहीं होगा बहुत कुछ होगा, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद, बहुत भयानक होगा उन लोगों के साथ, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो। प्रभु क्या कहता है, जो आपको सताते हैं उनको उन्हीं का मांस वो खिलाएगा, वो जान जाएंगे कि आपका जो प्रभु है परमेश्वर है महान है, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको उनके साथ क्या करना है, पहला पत्रस 3:9 को पढ़िएगा, इसमें लिखा है बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। कोई बुराई करता है आपकी निंदा करता है किसी से चुंगलियाँ खाता है शिकायत करता है, आप ऐसा मत कीजिए, उसका शिकायत किसी से आप मत कीजिए, वो गाली देते हैं देने दीजिए आप मत दीजिए। प्रभु कहते हैं कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए मेरे प्रेम में मेरे संगति में मेरे भय में बुलाए गए हो। हमें क्या करना है, अपने आप को चेंज करना है, प्रभु के भय में लाना है,
हालेलुया, प्रभु की स्तुति। प्रभु हमें आशीष का बारिश होने के लिए बुलाया है, तो हमें आशीष का बारिश होने के लिए ही अपने आप को ठहराना है प्रभु में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोमियो 12 अध्याय के 20 और 21 पद के वचन को पढ़िएगा, इसमें लिखा है, सुनो, यदि तेरा पैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। दंड देना, तरना देना, नष्ट करना, खत्म करना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। हम किसी को जीवन नहीं दिए हैं तो किसी का जीवन लेना भी हमें नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, हम सबके सब प्रभु के हैं, धर्मी हो या अधर्मी, सबों को प्रभु क्या किया, अपने हाथों से बनाया है, राजा है। अब कोई अधर्मी बनकर ही अपने जीवन को बिताना चाहता है तो प्रभु है उसको सुधारने वाला, बदलने वाला, उसको तरना दे करके, दंड दे करके अपने मार्ग पर लाने वाला। हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, दुआ करना है। वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ, अनगिनत, गिन नहीं सकती, इतना कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। प्रार्थना कीजिए, जिस किसी के लिए आप दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। जिस किसी के लिए आप जीवन मांगिएगा, प्रभु जीवन देगा। कोई ज़्यादा सताता है, आप प्रभु के हैं ये जान करके, कोई आपको मारने के लिए, नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए दौड़ता है, आपका प्राण ख़त्म करने के लिए, आपका जान लेने के लिए दौड़ता है, उनको प्रभु क्या करेगा, दौड़ने देगा। बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक जानलेवा। प्रभु क्या कहते हैं, मैं उन्हीं का मांस उन्हीं को खिलाऊंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, और लहू पिलाऊंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो लोग अपने ही लहू को पी करके मतवाले हो जाएंगे, जैसे दाखमधु को पी करके लोग मतवाले हो जाते हैं वैसे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना कीजिए, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व प्रभु के पास है, समस्या का समाधान प्रभु के पास है, दुखों का निवारण प्रभु के पास है, छुटकारा हर एक से स्वतंत्रता प्रभु के पास है। प्रार्थना कीजिएगा प्रभु से, प्रभु देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धर्मियों के ऊपर बहुत से विपत्तियाँ पड़ता है, ऐसा नहीं सोचना है कि हम प्रभु के हैं तो कोई रोग नहीं होगा, कोई सताएगा नहीं, शैतान तंग नहीं करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ऐसा नहीं सोचना है धर्मियों पर, तो प्रभु के लोगों के ऊपर तो और भी बहुत सारे समस्या आता है, विपत्तियाँ आता है, बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत से लोग विरोध में खड़े होते हैं, शैतान अटैक करते हैं बार बार, लेकिन प्रभु क्या करता है, बोलता है, जहाँ लिखा है कि धर्मियों पर बहुत से विपत्तियाँ पड़ती हैं, वहाँ यह भी लिखा है कि प्रभु उनको उनमें से क्या करते हैं, बाहर निकालता रहता है, उसमें पड़े नहीं रहने देता, पड़े फंसे नहीं रहने देता। दुष्ट लोग हैं, दुष्टता के काम कर रहे हैं, चंगा है, भला है, स्वस्थ हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने दीजिए। एक बार फंसेंगे, एक बार गिरेंगे, कभी नहीं उठ पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कर मददगार खुदा। हे अनुग्रहकारी, दयालु, कृपयालु, अति करुणामय, अति समर्थी, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम यीशु नासरी, अनुग्रह कर, 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 मेरे आपा, मेरे फादर, मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके हजूरी में, आपके सम्मुख है स्वर्गीय पिता, तरस खाइए शुद्धि लीजिए, हर एक के सताव से प्रभु, कष्टों से प्रभु छुटकारा दीजिए, दबाव से प्रभु जी, दुखों से छुटकारा दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु,
जितने जन जितने लोग प्रभु जिस विषय में आपसे दुआ प्रार्थना कर रहे हैं उतर दीजिए। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय हमें दिए हैं उन सबों के प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं, ध्यान दीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबके सब पे आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। आज के समय में अनुग्रह कीजिए प्रभु, जितने आपके सामने घुटना टेके आज के आनंद में रात्रि के किसी भी पल किसी भी समय जितने आपके आगे अपने हाथों को फैलाएं, उन सबों का घुटना टेकना हाथ फैलाना सफल होने पाए, ऐसा आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। तरस खाने वाले खुदा धन्यवाद देते हैं, अनुग्रहकारी दयालु कृपयालु अति करुणा में अति सामर्थी सर्वशक्तिमान अति उत्तम धन्यवाद करते हैं। स्तुति ओ पिता येसु, महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं प्रभु जी, सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा। अस्तुति हो, 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 महिमा हो लो डिजीसस, महिमा हो लो डिजीसस, महिमा हो लो डिजीसस, महिमा हो लो डिजीसस, तारीफ हो लो डिजीसस, धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीसस। सहायता कीजिए प्रभु जी, बीमारों को छू करके प्रभु चंगाई दीजिए, दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा दीजिए, कोई प्रभु जी चिंता में टेंशन में डिप्रेशन तनाव में रहने ना पाए, अनुग्रह कर मानसिक तनाव से प्रभु जी छुटकारा दे, जिनका दिमागी हालत ठीक नहीं है ठीक कर दीजिए प्रभु, जिनका किडनी खराब है प्रभु जी, जिनका एक ही किडनी डैमेज हो गया है ठीक कर दीजिए, आंत में बीमारी है, लीवर खराब है प्रभु ठीक कर दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, शारीरिक कमजोरी को खत्म कर दें, गुप्त रोगों को प्रभु जी खत्म कर दें, अनुग्रह कर एक एक अंगों को बॉडी के एक एक भाग को प्रभु जी तू चंगाई दे, शैतान से छुटकारा दे प्रभु, तू महान है प्रभु जी, हमें पाप में से बाहर निकाल, शरीर और संसार की अभिलाषा में से बाहर कर, अनुग्रह कर अपने पदचिह्नों पर हमें चला, अपनी ज्ञान और बुद्धि के प्रकाश में हमें चला, अपनी सम्मति दे, आपकी इच्छा को जान करके आप में हम चले, आप में अपने जीवन को जिए, ऐसा अनुग्रह कर, दया कर दे, कृपा कर दे, प्रभुता कर दे, करुणा कर दे, तरस का सुधी ले। स्तुति करते हैं कि तू हमारी सुना, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं यीशु जी, दया कृपा प्रभुता करुणा करने वाले खुदा धन्यवाद देते हैं, पूरे दिन संभाले हैं, पूरी रात्रि भी संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुख शांति चैन की नींद दीजिए, पूरे रात्रि हम अच्छे से अपने बिछौने में सोएं, नीचे सोए, सुख शांति चैन से सोए, सुकून भरी नींद के साथ सोए। इसके लिए प्रभु आप अपने पनाह में हमें ले लीजिए, अपना अनुग्रह दया हमारे ऊपर बनाइए। स्तुति ओ पिता, धन्यवाद देते हैं खुदा, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं खुदा से, आपका आदर और सम्मान करते हैं, धन्यवाद हो कि आप हम सबों की सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी हाँ आमीन में दिए, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों खुदा आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, आदर और सम्मान करते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके
से अरबी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, आगे बढ़ने में आपका अगुआई मार्गदर्शन करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। अपना विश्वास प्रभु पर अटल बना करके रखिए, आपके हर एक प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय का उत्तर आपको हाँ आमीन में मिलेगा, प्रभु देगा, आप पाएंगे अपनी प्रार्थना का उत्तर, सब आप प्रभु की ओर से पाएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।